सो हेलो जी नमस्ते, आई होप समस्ते, वेलकम टू एके इंटरव्यू। इचिरो ओडा की वर्ल्ड फेमस मांगा और एनिमे के बाद अब नेटफ्लिक्स लेकर आ चुके लाइव एक्शन एडेप्टेशन ऑफ वन पीस। तो क्या ये आर्क्स जो मांगा में 94 चैप्टर में और एनिमे में 45 चैप्टर्स में कंक्लूड हुए, वो ये 8 एपिसोड्स में वर्थ है देखना? और कितना एंगेजिंग है ये लाइव एक्शन एडेप्टेशन, चलिए देखते हैं। वन पीस कहानी है मंकी डी लूफी के नेक्स्ट पायरेट किंग बनने और वन पीस खोजने की, क्योंकि ठीक मरने से पहले जब पायरेट किंग गोल्डी रॉजर से पूछा कि तुम्हारा खजाना कहाँ है, तो उसने ये कहा, ये खजाना तुम्हारा है अगर तुम इसे ढूंढ सको, पर इसे ढूंढने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया खोजनी पड़ेगी। और अब यहाँ से शुरू होता है द ग्रेट एरा ऑफ पायरेट्स। बस इसी के बाद से पूरी दुनिया निकल पड़ी इस खजाने को ढूंढने में, जिनमें से एक अतरंगी लूफी भी है। और इस एडवेंचर में जरूरत है उसे एक पायरेट क्रू की, जो उसे मिलते चलेंगे इस सफर के दौरान। वन पीस की खासियत है उसके कैरेक्टर्स, स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग। वहीं लाइव एक्शन की बात करें तो कास्ट की चॉइस एकदम परफेक्ट लगी मुझे। सबका परफॉर्मेंस एकदम कड़क और धांसू था, जिसे जो कैरेक्टर मिला उन सब ने उसे बहुत बखूबी निभाया। बात करें वर्ल्ड बिल्डिंग की, इस लाइव एक्शन में भी इन्होंने 8 एपिसोड्स में ही लॉक टाउन, विंड मिल, सिक्सेस विलेज, शेयर्स टाउन, सिरफ विलेज, शिमोत्सुकी विलेज, बराटिए, कोको विलेज, आलोक पार्क, इतना सब कुछ कवर कर लिया, वो भी इतने सुंदर और अच्छे सेट्स के साथ, जो बिल्कुल अप्रिशिएबल है। स्टोरी की बात करें तो ऑब्वियसली एनिमे या मांगा में जितना ज्यादा दिखाया जा सकता है, वो लाइव एक्शन में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए काफी छोटे मोटे चेंजेस और थोड़े बहुत तो नहीं, काफी ज्यादा काट छाट की गई। बट कुछ रिवील्स या सरप्राइजेस जो मांगा में या एनिमे में बाद में चलकर पता चलते हैं, वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो इन्होंने पहले ही दिखा दिए, जो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा मुझे। एक्शन की बात करूं तो जोरो का एक्शन दमदार था, मजा आया। बट वहीं लूफी के मेजर एक्शन सीन्स बहुत शॉर्ट कर दिए गए, जो कुछ ही देर में हल्के फुल्के एफर्ट्स के साथ खत्म हो जाते थे। वहीं विलन्स के क्रू को भी खास दिखाया नहीं गया, और ना ही उस क्रू का इन्वॉल्वमेंट एक्शन या स्टोरी में दिखा, वो एक नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। बस आर्लोंग पार्क में थोड़ा सा क्रू का यूज किया गया, वो भी क्योंकि जोरो सांजी उसोप की लड़ाई दिखानी थी। मेजरली कोशिश यही की गई कि एक रूम में फाइट खत्म हो जाए और ज्यादा एफर्ट्स भी ना लगे। कुछ जगह मजा ही आ गया, जैसे मीहॉक की एंट्री और फाइट, जेफ और सांजी की स्टोरी, लूफी का बचपना, बगी का इंटरेस्टिंग इन्वॉल्वमेंट जो यहाँ थोड़ा बढ़ाया गया है, साथ ही में गार्प और कोबी का सेक्शन भी काफी बढ़ाया गया है यहाँ पर। और हाइलाइट्स की बात करूँ तो म्यूजिक काफी अच्छा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एनिमे वर्जन का ही यूज किया जाएगा, बट यहाँ अलग टेक लेकर इसको और ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की गई है। हर नए एपिसोड्स में बदलते लोगोस, नए आर्क और नए कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो मजेदार था। वहीं लूफी, जोरो, जेफ, मीहॉक नेल्ड देयर कैरेक्टर्स। ऊपर से इनकी हिंदी डबिंग एकदम परफेक्ट थी, बस कुछ वर्ड्स एज इट इज इंग्लिश वाले रखते तो मजा आता, जैसे वॉरलॉर्ड, एडमिरल, पायरेट क्रू एक्सेट्रा। ओवरऑल बात करूं, लॉन्ग स्टोरी, बड़ी दुनिया, इतने कैरेक्टर्स, आर्क्स, बैक स्टोरी, जर्नी और बोरिंग पार्ट्स को बस ये 8 एपिसोड्स में काफी अच्छे से कोलेट किया गया है। इससे एटलीस्ट जो एनिमे या मांगा के 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स के डर से स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको एक छोटा सा स्टार्ट मिलेगा, मोटा मोटा कहानी जानने को मिलेगा। बट लाइव एक्शन देखने वालों को कुछ स्पॉयलर्स मिल जाएंगे अगर वो एनिमे स्टार्ट करना चाहें तो। सो सीरीज देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सो ये लाइव एक्शन वन पीस को मैं देता हूँ 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। और हाँ, अगर आप एक्चुअल में वन पीस की दुनिया को और एक्सप्लोर करना चाहते हो, अच्छे से जानना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा मांगा या फिर एनिमे ट्राई करो। हाँ, स्टार्टिंग का पोर्शन थोड़ा सा बचकाना या कार्टूनिश लग सकता है, बट इसका भी एक अलग मजा है। लेकिन धीरे धीरे ये कहानी भी मैच्योर और डार्क होती चली जाती है। तो पहाड़ कितना बड़ा है, सोचते रहने से अच्छा है चढ़ना तो स्टार्ट करो, कब शिखर तक पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।